नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन से इज एन इलेक्ट्रिक डायपोल ऑफ मोमेंट पी इज प्लेस इन द पोजिशन ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी ई दिस इज रोटेटेड थ्रू एन एंगल थीटा फ्रॉम द इनिशियल पोजिशन हमें अब ये बताना है कि द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रिक डायपोल इन द फाइनल पोजिशन इज उसकी पोटेंशियल एनर्जी इस फाइनल पोजिशन में क्या होगी अगेन सिंपल सवाल है यहाँ पे uh, आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से दी हुई है और अब आपने एक डायपोल लिया जो कि स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजिशन में था पहले तो स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजिशन का मतलब ये है कि आपका डाइपोल इस तरह था ये आपका माइनस क्यू चार्ज यह आपका प्लस क्यू चार्ज ये पोजिशन आपकी स्टेबल इक्विलिब्रियम की होती है अब हमने इसको यहाँ से यहाँ रोटेट कर दिया थीटा एंगल पर और हमें बताना है कि इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी ठीक है इस पोटेंशियल एनर्जी डायपोल इस सिचुएशन में क्या हो जाएगी तो यहाँ पे हम लिखते हैं पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू पी ई कॉस ऑफ थीटा वन माइनस कॉस ऑफ थीटा टू अनाइट सो यहाँ पर हम जो है थीटा वन उसकी वैल्यू हम जीरो डिग्री लिखेंगे और थीटा टू विल भी इक्वल टू थीटा सो इसके बेजिस पर हम कह सकते हैं कि जो आपका चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी आएगा डेल्टा पी इसको एक काम करते हैं यू लिख लेते हैं जिससे आपको कन्फ्यूजिंग ना लगे सो डेल्टा यू विल भी इक्वल टू पी ई वन माइनस कॉस थीटा हालाइट सो बेस्ड ऑन दिस हम कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर बी वुड बी द करेक्ट चॉइस